भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले का चौथे दिन का खेल क्रिकेट फैंस को देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, लेकिन ऐसा हम क्यों कह रहे हैं बताएंगे आपको रिपोर्ट्स में आगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला बारिश से प्रभावित रहा है। पहले दिन बारिश के कारण टॉस तक नहीं हो पाया था और दूसरे दिन भी महज 64.4 ओवर का ही खेल हो पाया। बारिश के कारण तीसरे दिन का खेल भारतीय समय अनुसार 3:30 पर शुरू हुआ, यानी आधे घंटे लेट शुरू किया गया। हालांकि इसके बाद भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। इस मैच की पहली पारी में टीम इंडिया 217 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। तीसरे दिन भी खराब रोशनी के कारण पूरे ओवरों का खेल नहीं हो पाया और फिर से खेल को जल्द ही खत्म कर दिया गया। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने 2 गंवाकर 101 रन बना लिए थे। दिन का खेल खत्म होने के वक्त कप्तान केन विलियमसन 12 और रॉस टेलर 0 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। आज WTC फाइनल का चौथा दिन है। आपको बता दें कि साउथहैम्पटन में आज पूरे दिन तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। ये बारिश 90% तक होने के आसार हैं। पहले दो सेशन पूरी तरह से बारिश की भेंट चढ़ सकते हैं। तीसरे सेशन में शायद आपको खेल देखने को मिल सके, लेकिन इसकी भी संभावना कम ही लग रही है। ऐसे में ये साफ है कि क्रिकेट फैंस को फिर आज मायूसी हाथ लगने वाली है। हालांकि साउथहैम्पटन में तेजी से मौसम बदलता रहता है, तो ऐसे में हम चाहेंगे कि जल्द ही वहां का मौसम बदले और हम मैच का आनंद ले सकें। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि WTC फाइनल जैसे बड़े मुकाबले को इंग्लैंड में कराया जाना ICC का सही फैसला था या नहीं, इस पर अपनी राय हमें जरूर कमेंट करें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।